अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा लेसन नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेसन आपको अपलोड किए थे, जिसमें हमने पहले 0 और 1 हमने स्टार्ट किया था, फिर और लेसन नंबर 2 में हमने 2 स्टार्ट किया था, और आज हमारा लेसन नंबर भी 3 है और इसका टॉपिक भी हमारा 3 है। आपको पता है 3 कैसे लिखते हैं? एक गोल राउंड में ले कर यू पेंसिल घुमाएँ, यहाँ तक टच करें और उसी जगह से दोबारा घुमा के नीचे टच कर दें, ठीक है। 3 डॉट लगाएँ, 1 डॉट यहाँ पे लगाने के बाद एक और राउंड में घुमा के दूसरा डॉट यहाँ पे आपका आना चाहिए। दूसरे डॉट को हम स्टार्ट करते हुए नीचे ले जाएं तीसरे डॉट तक, ठीक है। मेरे ख्याल में इसकी यूँ 2 दफ़ा प्रैक्टिस फिंगर इस पर घुमा ले, चाहे कोई पेंसिल घुमा ले, यूँ करके ये क्या पढ़ेंगे इसको 3, ठीक है। और इसके साथ आपको 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। ये एलिफेंट है, आपको नज़र आ रही है ना, तो मैं इसमें कलर भी करूँगी और आपको 3 पिक्चर है। देखिए 1 2 3, 3 एलिफेंट्स, 3 एलिफेंट्स, ठीक है। चले हम आप इसके कलर करते हैं। सबसे पहले एक स्टार्ट एक कॉर्नर से शुरू करें और उसको बिल्कुल साथ साथ करते जाए करते जाए करते जाए, ठीक है। और अपना वाइट पार्ट कुछ भी ना रहे, ठीक है, सारी फिलिंग कर दें इसको और साथ साथ इसको पढ़ते रहे। 3 एलिफेंट्स, क्या पढ़ना है आपने? 3 एलिफेंट्स, शाबाश, कलर करते जाएं। आप मुझे बताएं आपने आपने प्रैक्टिस के जो लेसन नंबर 1 था हमारा वो और लेसन नंबर 2 की प्रैक्टिस की है। जिन बच्चों ने की होगी वो तो मुझे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा ये इन बच्चों ने हमारे ये एकेडमी ज्वाइन की है, ठीक है ना। अगर नहीं भी की, आज फर्स्ट वीडियो अगर आपको मिली है हमारी, तो आप इसको लाइक भी हमारे चैनल को करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अब जैसे जैसे हमारे लेसन आते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे, आपको सबसे पहले मिलते जाएं, ठीक है। और अपने कोई अच्छे से कलर जो आपके पास घर में है लें और ऐसी वर्कशीट बना के उस पर काम करें, ठीक है। 5, 4, 5 तक काम करने के बाद आपकी छोटी सी असेसमेंट की तरह एक वर्कशीट करवाएंगे, ताकि पता चलेगा आपको इसमें से क्या आया, ठीक है। अब 1 एलिफेंट में हमारा कलर हो गया और ये मैं पिंक कलर कर रही हूँ। ये कौन सा कलर है? पिंक। फर्स्ट में मैंने कलर किया था ग्रीन, अब ये एलिफेंट पिंक कलर की मैं कर रही हूँ। आप भी कोई भी कलर लेकर उनके अंदर फिलिंग कर लें, बस कोशिश करें कि आपका वाइट पार्ट कोई भी ना रहे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जैसे भी आपसे कलर होता है वैसे करते जाएँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कलर कर रहे होंगे, आप अपने कलर से पूरी एलिफेंट फिल कर दें। इसके साथ हमारे उर्दू की भी आपके पास वीडियो आ रही होंगी, इंग्लिश की भी आ रही होंगी। अगर आप रेगुलर अपनी अपनी जो जो वीडियो आ रही हैं उनको एक दो नज़र में मतलब उनको पढ़ लें या शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपको डेली उनके बारे में पता चलता जाए, ठीक है। जो जो हमारी क्लास होती जाती है, मतलब है कि हम जिस चीज़ की वर्कशीट आपको करवा रहे हैं वो आप पढ़ें उसको डेली बेस पर, ताकि आपको उसको पहचान भी हो सकती है और उसकी रीडिंग भी आपकी हो रही होगी रोज़ की रोज़। हर रोज़ एक सब्जेक्ट की हमारा ये काम जो आपको आता है, एक दिन इंग्लिश का, एक दिन उर्दू का, एक दिन मैथ का, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली जो हमारी वीडियो अपलोड हो आपको मिलती रहे, और उसकी इवनिंग में या दोपहर में किसी टाइम बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप को उसकी प्रैक्टिस करते करते आपकी वर्कशीट आपको फिल कर लें, ताकि जब आपकी असेसमेंट हम लें तो सारे बच्चे उसको कर सकें, ताकि जब आपका किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाएं तो आप सारा काम आसानी से कर सकें, ठीक है बच्चों। ओके, मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, जिसमें हमारा लेसन नंबर 4 होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।